सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देते हो जिसमें हिंदी आती है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आता है कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पूछे जाते हैं कि दिया हुआ वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। तो इसको बताने से पहले मैं आपको वाक्यों से संबंधित क्या क्या पूछ सकते हैं वो सब बता रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाक्यों के कितने अंग होते हैं, तो वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्यकर्ता को बोलते हैं और विधेयकर्ता के अलावा जो कुछ वाक्य में बचा रहता है वो विधेय कहलाता है, ठीक है ना। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना, जो कुछ मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। आज का टॉपिक बस मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इसको मैं बता चुका हूँ एक वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा पूछा जाता है कि वाक्यों के गुण कितने होते हैं, तो वाक्यों के 6 गुण होते हैं, सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्वय, ठीक है ना। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के गुण, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कैसे पहचान होगी, आ से होता है अर्थ और आ से होता है आठ, ठीक है ना। विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, संकेत, इच्छा, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप बताओ, कौन कौन से होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का दूसरा नाम होता है मिश्र वाक्य, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी मालूम होगा, कोई भी एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत आसान ट्रिक है इसको, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना आप, है ना। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सरल वाक्य कैसे कहते हैं। तो सरल वाक्य में आपको कुछ याद नहीं करना है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया हो, है ना, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रिया कितनी होनी चाहिए, एक। जैसे मैं बोलता हूं देखो यहाँ पे, मोहन पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है। दिनेश जाता है, सरल वाक्य है। बच्चे खेलते हैं, सरल वाक्य है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सरल वाक्य को बहुत लंबा करके बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, कर्ता का कर देते हैं प्रसार। जैसे मैं बोलूं सोहन का भाई मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें क्रिया तो एक ही है, जाना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल दिया, सोहन का भाई मोहन, इतना कर्ता को एक्सपेंड कर दिया और लगता है कि इतना बड़ा वाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता है, संयुक्त होगा या फिर मिश्रित होगा, है ना। तो इस हिसाब से नहीं देखना है आपको, सिर्फ इतना देखना है कि अगर एक क्रिया है तो कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि भोपाल से ग्वालियर को जाने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन आज लेट है। अब देखो, भोपाल से ग्वालियर को जाने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन, यहां तक करता है, आज लेट है, लेट होना क्रिया है बस, तो एक क्रिया है और बाकी करता है, है ना। तो इस हिसाब से आपको समझ जाना है कौन सा सरल वाक्य है बस, ठीक है। तो ये सरल वाक्य हो जाता है, केवल एक कर्ता होगा, है ना। कर्ता मैंने बोला कि कर्ता एक से ज्यादा भी हुए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बोलूं मोहन और सोहन ने चोर को पीटा, तो दो करता है लेकिन काम तो एक ही कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों चोर को पीटने का काम कर रहे हैं, तो तब भी कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है ना। तो और लगने से हमेशा संयुक्त वाक्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन संयुक्त वाक्य कब हो जाता है, जब क्रियाओं के बीच में और लगे, ना कि कर्ता के बीच में। अभी मैं बोल रहा हूं मोहन और सोहन ने चोर को पीटा, कौन सा वाक्य, तो है सरल वाक्य। लेकिन मैं बोलूं मोहन आया और सोहन गया, तो यहां पे और क्रियाओं के बीच में लगा, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाता है, संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो आप देखो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, संयुक्त वाक्य की पहचान यह है कि दो सरल वाक्य जुड़े रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी सरल वाक्य होगा, यहाँ पे सरल वाक्य होगा, और बीच में कुछ योजक चिन्ह लगे रहते हैं। अब योजक चिन्ह क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बड़ा आसान है इनको याद करना, और या एवं तथा इसलिए, ये 5 है ना, ये 5 तो आपको याद होंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे अथवा अतः, तो कैसे लग रहा, इसलिए मैंने पास में लिखा, याद हो जाए आपको, अथवा अतः, तो नहीं तो, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है ना। तो ये है, अगर ये आपको हाइपन कहीं भी, ये योजक चिन्ह कहीं भी दिख जाते हैं, और इसके पहले भी सरल वाक्य होता है, इसके बाद में भी सरल वाक्य हो, तो कौन सा हो गया, तो हो जाता है संयुक्त वाक्य, है ना। कितना सिंपल, देखो यहाँ पे मैं कोई भी वाक्य ऐसा लिखूं कि इस योजक चिन्ह की पहले भी क्रिया हो, बाद में भी क्रिया हो, मैंने बोला सरल वाक्य होना चाहिए, और सरल वाक्य में क्रिया तो होती है ना, तो ये प्लस का मतलब है, इस प्लस की जगह कोई ना कोई योजक चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ
बताओ मोहन आया और सोहन गया कौन सा वाक्य है? मोहन आया आना एक क्रिया है और सोहन गया है ना, तो एक मोहन आया एक सरल वाक्य है, सोहन गया एक सरल वाक्य है और लगा दिया बीच में मैंने, तो मोहन आया और सोहन गया, तो पूरा मिलकर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना आपको, है ना। इसके बाद देखो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, प्रधान उपवाक होते हैं और आश्रित उपवाक होते हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यदि मैं पूरी ना बोलूं तो आप समझ नहीं पाओगे क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि जो लड़का कमरे में बैठा है, अब इसके बाद क्या है आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इसमें इसलिए कि एक तो होता है प्रधान उपवाक, अभी मैंने जो बोला कि जो लड़का कमरे में बैठा है ये प्रधान उपवाक है, अब क्या बोलना चाह रहा हूं वो आश्रित है इस पे, जो मैं बोल चुका हूं वह मेरा दोस्त है, मैं ही बोलना चाह रहा था, है ना। तो जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा दोस्त है, मतलब ऐसे ऐसा वाक जिसमें एक होता है प्रधान उपवाक और दूसरा होता है आश्रित उपवाक, उसे बोलते हैं मिश्रित वाक या फिर मिश्र वाक, ठीक है ना। ये देखो बड़े आसान है बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो युज्य चिन्ह रहते हैं, है ना। जैसे जब के साथ हमेशा तब आता है, ठीक है ना, जिधर के साथ उधर आता है। तो आपको और आसान बताऊं मैं, तो जा से स्टार्ट होने वाले जितने भी युज्य चिन्ह हैं और ये हमेशा जोड़े में आते हैं। जैसे मैं बोलूं जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, कौन सा वाक्य आप बोलोगे? मिश्रित वाक्य है। जैसे तुम जाओगे वैसे मैं जाऊंगा, मिश्रित वाक्य है ना। जितना उतना, जिधर तुम जाओगे उधर मैं जाऊंगा, तो ये पेयर में आते हैं, मतलब जोड़े में आते हैं, है ना। और जहां से प्रारंभ होने वाले ज्यादातर रहते हैं, सभी हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बोला था जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा दोस्त है, तो जो वह का प्रयोग हुआ है मतलब कौन सा है? मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य, ठीक है ना। अब आपको बस याद क्या करना है इसमें, ये मैंने अलग से लिख ली, जहां पे कंफ्यूजन होती है एक की क्योंकि, दोनों देखो कहां से स्टार्ट है, की और क्योंकि और जो, अगर ये आ जाते हैं तब भी मिश्रित वाक्य होता है और यहां से क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं मोहन ने कहा कि, अब कुछ भी बोले वो, मोहन ने कहा कि आज वह नहीं आएगा, तो की लगा दिया तो कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। तो आप याद करना कि जो सिंगल वाले हैं वो सिर्फ दो हैं, एक की क्योंकि और जो भी आ जाता है कभी कभी, है ना, लेकिन ज्यादातर कौन से आते हैं? का वाले दो, की और क्योंकि, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी युज्य चिन्ह सिंगल वाले हैं जो एक अकेले होते हैं वो कौन से होते हैं? संयुक्त बनाते हैं, लेकिन इनसे कौन से बनते हैं? मिश्रित, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्योंकि और की नहीं है, इसलिए है तथा एवं या और इस टाइप के, है ना। तो अब देखो कैसे, कभी कभी वाक्य रूपांतरण तो आपके एग्जाम में कभी नहीं आता, बस ये आएगा कि दिया हुआ वाक्य को पहचानना पड़ेगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे आप, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पे, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, वाक्य आता है कि वर्षा होने पर सभी भागने लगे, ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? तो आप बोलोगे भागने लगे एक क्रिया है बस, वर्षा होने पर सभी भागने लगे, क्रिया कितनी? एक, ठीक है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। अब मैं बोलूं बताओ इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, तो ये सरल वाक्य को यदि मैं संयुक्त वाक्य में बनाऊं तो आपको मालूम है देखो वर्षा शुरू हुई और सभी भागने लगे, इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यहां पे क्या लिखा था? वर्षा होने पर सभी भागने लगे, वर्षा शुरू हुई और सभी भागने लगे, तो यहां पे देखो हुई एक क्रिया हो गई और लगा दी मैंने सभी भागने लगे, यहाँ पे भागना एक क्रिया है, कहने का मतलब मैंने और लगा के इसी बात को दूसरे तरीके से बोल दिया, पहले मैंने बोला था सरल वाक्य में, फिर मैं किसमें बोल रहा हूँ? संयुक्त वाक्य में। अब मैं इसको अगर इसी बात को मिश्रित वाक्य में कैसे बोलूंगा, देखो यहाँ पे जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही सभी भागने लगे, तो इसमें किसका प्रयोग किया मैंने? जैसे वैसे का, है ना, मैंने बोला था ये जोड़े में आते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही सभी भागने लगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो वह दो दिन यहां रहकर सबका प्रिय हो गया, ठीक है ना, ये भी कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, लेकिन मैं बोलूं वह दो दिन यहां रहा और सबका प्रिय हो गया, है ना, तो कौन सा हो गया? और लग गया, तो हो गया संयुक्त वाक्य। और मैं बोलूं जब वह दो दिन यहां रहा तब सबका प्रिय हो गया, तो जब तक का प्रिय हो गया कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। बिल्कुल इतनी सी बात याद रखना है आपको, है ना। तो क्या है कि मिश्रित वाक्य में जो युज्य चिन्ह होते हैं वो जोड़े में आते हैं, जब तब, जहां वहां, जितना उतना, बस आपको याद करना है कि की, क्योंकि और जो, इनको अलग से याद करना है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, है ना, तो, नहीं तो, अतः, इसलिए, और, एवं, है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे युज्य चिन्ह किसमें आते हैं? संयुक्त वाक्य में। और सरल वाक्य तो बिल्कुल सरल वाक्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, वो भी वाक्य पर डिपेंडेड है, तो आपको वाक्य से संबंधित सारी नॉलेज हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। थैंक यू।